हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है अपने नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जो क्लास 12 के, ठीक है, इंग्लिश का जो यूपी बोर्ड का फर्स्ट लेसन है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। जी हाँ गाइज, उसका हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया। मैं बताना चाहूंगी जो आप लोग का फर्स्ट लेसन है पोएट्री का, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, उसके लेखक है सर हेनरी वॉटन। जी हाँ गाइज, यहाँ इनका आप फिगर देख सकते हैं। अगर इनकी जन्म मृत्यु की बात करें, जी हाँ गाइज, अगर इनकी हम जन्म मृत्यु की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो। ऐसे जन्म मृत्यु आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के अनुसार मैं बताता हूं, ठीक है। इनका जन्म 1567 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1639 ईस्वी में हुआ था। गाइस, मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जो यह सेंट्रल आइडिया है 6 मार्क में, जी हाँ गाइस, पूरे के पूरे 6 नंबर में आता है। और थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, एकदम 6 मार्क आपको फ्री में मिल जाएगा। और जो यह फर्स्ट लेसन है आप लोग का कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ठीक है, जिसके लेखक है आप लोग के सर हेनरी वॉटन, ठीक है, इनका सेंट्रल आइडिया, जी हाँ गाइस, इनका सेंट्रल आइडिया मैं बताना चाहूंगी, हर साल आता है यह निश्चित होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने एकदम अच्छे से यह सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने टाइपिंग कर अच्छे से लिखा हुआ है। ये एक एक चीजें, जी हाँ गाइस, एक एक चीजें मैं आपको एकदम बता देता हूं, अच्छे से एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये इसका अर्थ भी बताऊंगा, जिससे आपको और भी मतलब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और वीडियो देखते समय ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप लोग याद रखिएगा, 6 मार्क एक बड़ा नंबर होता है, 6 नंबर में आता है सेंट्रल आइडिया, ठीक है, और ये निश्चित है इनका आएगा। और इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए, वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि इसका पीडीएफ फाइल आपको कहां मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनका सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ मैन हु वर्क्स बाय ओन विल इज अ हैप्पी मैन, ठीक है। इसका मतलब है कि कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी पोएट के अनुसार यानी कवि के अनुसार, ठीक है, अ मैन, ठीक है, एक आदमी, हु वर्क्स, ठीक है, बाय ऑन विल, ठीक है। देखिए यहाँ ऑन मतलब स्वयं या अपनी, विल मतलब इच्छा से है, ठीक है, आप टेंस वाला विल मत समझिएगा, यहाँ WILL विल, विल मीन्स इच्छा होता है, ठीक है, विल मीन्स इच्छा। तो ऑन विल इज अ हैप्पी मैन, ठीक है, मतलब इस पूरे लाइन का अर्थ है कि एक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब कवि के अनुसार, अ मैन मतलब एक व्यक्ति, हु वर्क्स मतलब जो कार्य करता है, ठीक है। देखिए यहाँ वर्क्स एस लगाए, मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है, सेंट्रल आइडिया जो होती है वह हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो आपको कई जगह एस एस लगा हुआ, जहां एस ना भी लगे आपको वहां एस लगा हुआ दिखाई देगा। तो आप कमेंट में मत लिखिएगा कि ये सर जी गलत है, एस लगाए हैं ये वो, ऐसा नहीं। जो सेंट्रल आइडिया है हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, क्लियर है आपको, और खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ मैन हु वर्क्स बाय ऑन विल इज अ हैप्पी मैन, ठीक है, मतलब कवि के अनुसार एक व्यक्ति, ठीक है, जो ऑन मतलब स्वयं, ठीक है, या अपने, विल मतलब इच्छा से, ठीक है, इज मतलब इच्छा से जो कार्य करता है, यहाँ वर्क्स है ना, इच्छा से जो कार्य करता है वह क्या होता है, एक हैप्पी मैन यानी खुश व्यक्ति होता है, ठीक है, मतलब कवि के अनुसार एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा या अपने स्वयं की इच्छा से कार्य करता है वह खुश व्यक्ति होता है, क्लियर है। और रियली हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ठीक है, यानी एक वास्तविक खुश व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति मतलब जो वास्तव में खुश है वह क्या होता है कि हमेशा वह ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है, एंड ट्रूथफुल मतलब सत्य होता है, क्लियर है आपको यहां तक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, अ हैप्पी मैन इज नॉट स्लेव ऑफ हिज पैशंस, ओके। देखिए मतलब यहाँ हैप्पी मैन मतलब एक खुश, ठीक है, एक खुशहाल व्यक्ति, इज नॉट मतलब नहीं होता है, और स्लेव, ठीक है, मतलब दास, क्लियर है, स्लेव मीन्स दास होता है, ठीक है। A happy man is not a slave of his passions. मतलब एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह passions मतलब यहाँ इच्छा से है, ठीक है, passion यानी इच्छा, ठीक है, इच्छाओं, S लग गया तो इच्छाओं, ठीक है। तो मतलब जो एक खुश व्यक्ति होता है, एक खुशहाल व्यक्ति होता है, वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है, मतलब जो उसकी इच्छा की वह कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब कि एक मतलब जो खुश व्यक्ति होता है, खुशहाल व्यक्ति होता है, वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है, क्लियर है आपको। ही केयर्स, ठीक है, ही केयर्स नाइदर हिज प्रेज नॉर हिज कंडेम। देखिए यहाँ कंडेम यहाँ लिखा हुआ है, इस कंडेम में देखिए जो ये एन अंत वाला जो ये एन है यह साइलेंट है, इसीलिए इसको हम कंडेम यहाँ तक केवल बोल रहे हैं, और लड़के इसको एग्जाम बी सी ओ एन डी ई एम एन नहीं लिखते हैं, तो यह गलत हो जाता है। आप याद रखिए कंडेम और एंथ में एन लिखना पड़ता है, एन साइलेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ही केयर्स,
ठीक है, नाइदर हिज प्रेज। देखिए प्रेज का मतलब यह है, ठीक है, प्रेज का मतलब समझिए, प्रेज का मतलब है आप लोग का, ठीक है, प्रशंसा, ठीक है। और आप लोग का ये जो कंडेम है जिसमें ये लास्ट में एन साइलेंट है, ठीक है, इसका मतलब है आलोचना, ठीक है। तो वही मतलब एक खुशहाल व्यक्ति की हम चाहें, ठीक है, उसकी मतलब प्रशंसा करें या फिर आलोचना करें, ठीक है, उसकी इसकी कोई चिंता नहीं होती है। आगे क्या है ना कि ही केयर्स नाइदर, मतलब उसे चिंता नहीं होती है, ठीक है। हिज प्रेज मतलब उसकी प्रशंसा की, नॉर हिज कंडेम मतलब उसकी आलोचना की, ठीक है। मतलब एक मतलब जो व्यक्ति होता है, खुशहाल व्यक्ति होता है, आप उसकी प्रशंसा करें या उसकी आलोचना करें यानी बुराई करें, उससे मतलब कोई मतलब नहीं होता है, उससे इसकी कोई चिंता नहीं होती है। क्लियर है आपको? देखिए आगे चलते हैं। ही कीप्स हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, ठीक है, एंड ऑलवेज फॉलो हिज कंसाइंस, ठीक है। मतलब ही किप्स मतलब वह रखता है हिज लाइफ फ्री, मतलब अपना जीवन मुक्त, फ्रॉम र्यूमर्स मतलब र्यूमर मतलब अफवाह, ठीक है, और एस लगा है र्यूमर्स यानी अफवाहों से, ठीक है। एंड ऑलवेज और हमेशा फॉलोज, ठीक है, देखिए यहाँ फॉलो होता है अंत में एस लगा है, तो फॉलोज, ठीक है, हिज कंसाइंस मतलब और हमेशा क्या करता है कि अपनी कंसाइंस मतलब अंतरात्मा होता है, अपने अंतरात्मा क्या मतलब फॉलो करता है, अपने जो मतलब जो उसकी अंतरात्मा कहती है उसका मतलब अनुसरण करता है, फॉलोज मतलब अनुसरण करना है, ठीक है। तो वह हमेशा, ठीक है, ही कीप्स हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, मतलब वह हमेशा अपना जीवन या अपने जीवन को, ठीक है, फ्री रखता है फ्रॉम र्यूमर्स मतलब अभी आपको मैंने बताया र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से, ठीक है, र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से। तो ही कीप्स हिज लाइफ मतलब वह अपना जीवन रखता है फ्री फ्रॉम र्यूमर्स मतलब अफवाहों से, ठीक है, मुक्त, फ्री मतलब वही मुक्त। एंड ऑलवेज और हमेशा फॉलोज मतलब अनुसरण करता है हिज कंसाइंस मतलब अपनी अंतरात्मा की, मतलब जो उसकी अंतरात्मा कहती है उसका अनुसरण करता है, उसका फॉलो करता है। क्लियर है आपको? ही स्पेंड्स, ठीक है, ही स्पेंड्स हिज डेज विथ गुड बुक्स, ठीक है, और गुड फ्रेंड्स। देखिए इसका मतलब क्या है, यहां समझिए, यहां से यहां तक इसका मतलब आप समझिए, ठीक है। देखिए ही स्पेंड्स मतलब, ही स्पेंड्स मतलब वह मतलब स्पेंड मतलब आप जानते हैं खर्च करना, लेकिन यहाँ व्यतीत करने से मतलब है। ही स्पेंड हिज डेज और यहाँ डेज का मतलब देखिए दिन से नहीं बल्कि टाइम समय से मतलब है। ही स्पेंड हिज डेज मतलब वो अपना समय व्यतीत करता है विथ गुड बुक्स मतलब विथ मतलब साथ, गुड बुक्स मतलब अच्छी किताबों के साथ, और यानी अथवा यहाँ लिखा है ना, और यानी अथवा गुड फ्रेंड्स या अच्छे मित्रों के साथ। मतलब जो एक खुशहाल व्यक्ति होता है वह अपना समय, ठीक है, अच्छी किताबों के साथ अथवा अच्छे दोस्तों के साथ व्यतीत करता है। क्लियर है इसका अर्थ? अ हैप्पी मैन प्रेज, आगे देखते हैं। अ हैप्पी मैन प्रेज मतलब एक खुशहाल व्यक्ति प्रार्थना करता है गॉड यानी भगवान की, जस्ट फॉर हिज ग्रेस, या देखिए ग्रेस का मतलब होता है कृपा, मतलब जस्ट फॉर हिज ग्रेस मतलब केवल उसकी दया के लिए, ग्रेस मीन्स दया। तो अ हैप्पी मैन प्रेज मतलब एक खुशहाल व्यक्ति प्रार्थना करता है गॉड यानी भगवान की, जस्ट फॉर हिज ग्रेस केवल उसकी कृपा पाने के लिए। क्लियर है यहां तक? अ हैप्पी मैन, आगे देखते हैं। अ हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज सक्सेस एंड फेलियर, मतलब एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है, ठीक है, वह अपनी सफलता अथवा असफलता से नहीं डरता है, ठीक है, वह अपनी सफलताओं या असफलताओं से, ठीक है, अफ्रेड, यहाँ है ना, नॉट अफ्रेड मतलब डरता नहीं है। क्लियर है आपको यहां तक? अ हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज सक्सेस एंड फेलियर्स, यानी यहां तक आपको क्लियर हो गया सारी चीजें, यहां तक आई होप आप लोग को अर्थ भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए। ही इज लॉर्ड, ठीक है, ऑफ हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं का, ठीक है, ही इज लॉर्ड, ठीक है, मतलब ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं का क्या होता है कि स्वामी होता है, ठीक है, या मालिक होता है, ठीक है। एंड हैविंग नथिंग और उसके पास कुछ ना होते हुए भी ही हैथ, देखिए यहाँ कितने लोग हेट लिख देते, एच ए टी ई लिख देते हेथ, मतलब यहाँ हेट नहीं है, हेथ, एच ए टी एच हेथ है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ही हैथ आल मतलब उसके पास कुछ ना होते हुए भी क्या होता है कि उसके पास सब कुछ होता है। तो देखिए यहाँ से एक बार और मैं बताता हूँ इसका अर्थ कि ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं का स्वामी होता है, एंड हैविंग नथिंग और उसके पास कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल मतलब उसके पास सब कुछ होता है। ये जो लाइन है ना, आप पोएट्री जब पढ़ोगे तो आपके अंत में यह लाइन देखने को मिलेगा। तो इस तरह आपका ये हो गया इतने में सेंट्रल आइडिया। देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि सेंट्रल आइडिया काफ़ी बड़ा लिखा जाता है तब हमको नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल गलत है गाइज। केवल आप 5 लाइन लिखिए, 4 लाइन ही लिखिए, लेकिन मतलब
इस प्रकार लिखिए, मतलब ऐसे लिखिए कि मतलब जो पढ़ने वाला हो, ठीक है, या जो जांचने वाला हो आपकी कॉपी, आपसे इंप्रेस हो जाए। आप इसको लिखिएगा ना, मतलब आप अभी पढ़ रहे हो तो देखिए आपको कितना मतलब काफी अच्छा लग रहा होगा ये, ठीक है। तो इस तरह लिखा जाता है सेंट्रल आइडिया। तो आप लोग इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये निश्चित है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार शुरू से और पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ मैन हु वर्क्स बाई ऑन विल इज ए हैप्पी मैन, क्लियर है। A really happy man is honest and truthful, ठीक है। A happy man is not slave of his passions, clear है। He cares neither his praise nor his condemn, ठीक है। He keeps his life free from rumor, rumors है, rumor नहीं है, rumors, ठीक है। And always follows, ठीक है, his, ठीक है, conscience, क्लियर है आपको। ही स्पेंड्स हिज डेज विथ गुड बुक्स और गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अ हैप्पी मैन प्रेज, ठीक है, गॉड जस्ट फॉर हिज ग्रेस, ओके। अ हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज सक्सेस एंड फेलियर्स, ठीक है। ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, क्लियर है आपको। तो इस तरह अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसका पीडीएफ फाइल मैं बता दूं कि मेरे जितने भी पेड मेंबर है, यानी जिन्होंने हमारा कोर्स बाई किया हुआ है, उस उन सबको हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे, ठीक है, आपका जो आप लोग का क्रैश कोर्स वाला टैब है ना, क्रैश कोर्स वा आप देखोगे वहां पे, अगर बाई किए होंगे आप लोग तो 12th क्लास का एक क्रैश कोर्स वाला मतलब सेक्शन है, ठीक है। उसमें आप लोग जाएंगे, उसमें ओपन करेंगे तो सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसमें आप इंग्लिश वाले में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें ये मतलब इसका पीडीएफ फाइल, इसका ही नहीं, देखिए नीचे मैंने सारा का सारा, देखिए सारा का सारा सेकेंड लेसन, उसी प्रकार नीचे आप लोग देख सकते हैं ये थर्ड लेसन, मतलब सभी का मैंने सेंट्रल आइडिया एकदम सरल भाषा में एकदम अच्छे से लिख रखा है, वहां सारा का सारा आप को मिल जाएगा। आप मतलब इसको याद कर लीजिएगा, और आगे आप जो मतलब आप अपने अनुसार भी सोच सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना चाहिए, तो आप मतलब उसे याद कर सकते हैं। और उसके अलावा तो जो जो मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तो मैं आपको बताऊंगा ही कि इसको इसको आप याद कर लीजिए, आप लोगों को एग्जाम में फंसी जाएगा। जिसमें आप लोग का ये फर्स्ट है सर हेनरी वाटन द्वारा जो ये लिखा गया है, ठीक है, जो ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इस लेसन का, ठीक है, इस पोएट्री का आप लोग का ये सेंट्रल आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इससे एकदम क्लियर कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आप लोग जाइएगा, मिल जाएगा। और जितने भी गाइज अभी तक हमारा कोर्स बाई किए हैं, सॉरी बाई नहीं किए हैं, या अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मतलब उस वहाँ पे आपको, ठीक है, पेड कोर्स के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें फ्री है, लाइक वहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, लाइक वहाँ आप टेस्ट भी देख सकते हैं, और पूरी की पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वहाँ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। केवल हमने जो कोर्स बाय किया है, जो नोट्स बनाया है, ठीक है, वो पेड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाइएगा, प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे नीलेश क्लासेस तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।